हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट टू। ये आपका पार्ट टू है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ठीक है। अगर आप लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का डेफिनेशन और इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा, आप नए आए हैं, तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लें, फिर इस वीडियो पर आएँ, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को रूल नंबर वन बताया हुआ था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जिसको हम लोग सेंटेंस भी बोलते हैं। तो चलिए आज मैं आपको रूल नंबर टू बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर टू क्या कहता है। तो देखिए, रूल नंबर टू ये है कि जब दो नाउन या सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, ठीक है, आपका दो नाउन होना चाहिए या फिर दो सब्जेक्ट होना चाहिए और वो एंड से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो वो प्लूरल काउंट सॉरी प्लूरल नंबर हो जाता है, ठीक है। फिर वो जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट और नाउन जो है वो एंड से जो जुड़ा हुआ है वो आपका प्लूरल नाउन नंबर हो जाता है, ठीक है, और इसके साथ वो प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। मतलब जो आप नाउन, मोटा मोटी आप ये समझिए कि जो भी आप नाउन है या फिर जो भी सब्जेक्ट होगा अगर एंड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन दो, याद रखिएगा, दो नाउन या फिर दो सब्जेक्ट जो एंड के साथ जुड़ा हुआ है, यानी एंड के एक पहले रहेगा और एक एंड के बाद रहेगा, ठीक है, तो जुड़ा हुआ है तो आपका एक प्लूरल नंबर में काउंट होगा और उसको आप उसके साथ आपको प्लूरल वर्ब देना होगा, ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा है तो आपको एक से ज़्यादा ही वाला वर्ब यूज़ करना होगा, यानी आपको भी वन यूज़ करना होगा, क्योंकि आपका भी वन जो है वो आपका प्लूरल होता है, ठीक है। तो चलिए और देखते क्या बोला जा रहा है। जब दो नाउन सब्जेक्ट सॉरी नाउन या सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो एवं दोनों का सेंस एक ही हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। आप बोलेंगे सर अभी तो आप बोल रहे थे कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर आप नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो देखिए आप सेकेंड नंबर वाला ये देखिए रूल क्या है, यहाँ पे जो पॉइंट नंबर टू है वो देखिए, जब दो नाउन या सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, तो यहाँ तक तो यहाँ पे भी ऊपर में भी है, एवं दोनों का सेंस, यहाँ पे देखिए दोनों का सेंस अगर एक ही होगा, सेंस अगर वो एक ही दे रहा होगा, एक ही चीज के बारे में बात किया जा रहा होगा, तो वहां पे आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा, यानी आपको वहां पे V5 का यूज करना होगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से आपको मैं क्लियर कराता हूँ। देखिए जैसे आपका है गोल्ड और सिल्वर, दोनों एक है, नहीं है ना, गोल्ड अपना अलग है और सिल्वर आपका अलग है, दोनों का क्वालिटी भी अलग है, तो गोल्ड एंड सिल्वर, तो ये आपका नाउन, ये भी नाउन, या फिर ये सब्जेक्ट और ये भी सब्जेक्ट, तो गोल्ड एंड नाउन आर प्रीसियस मेटल, प्रीसियस मतलब होता है महंगा, ठीक है, एक्सपेंसिव जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर जो आया है, यहाँ पे जो आर का यूज किया गया है वो एक से ज्यादा है, यानी यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल है ना, प्लूरल है, तो यहाँ पे आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा, ठीक है, ये समझ में आया आपको, क्योंकि यहाँ पे सेंस तो एक नहीं दे रहा है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ही एंड आई, ठीक है, वर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे वर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक सब्जेक्ट यहाँ पे है, एक सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो टोटल कितना सब्जेक्ट हो गया, दो, तो एक से ज्यादा ही हो गया, जब एक से ज्यादा हो गया तो वर्ब भी आपको एक से ज्यादा वाला देना होगा, है ना, तो यहाँ पे आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा, तो यहाँ पे आपको वर यूज करना पड़ा, ठीक है, ये समझ में आया। यहाँ पे वॉज क्यों नहीं आया, ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पे आई है तो यहाँ पे वॉज आना चाहिए, तो फिर आप रॉन्ग हो जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कंपटीशन में भी यहाँ से कॉमन एरर आ जाते हैं, बच्चे समझते हैं यहाँ पे आई है तो यहाँ पे वॉज आना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा, इसका रूल यही है और ये बिल्कुल सही है, आप कहीं पे भी जाकर इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट सॉरी माई ब्रेकफास्ट, ठीक है, ठीक है, ब्रेड एंड बटर, आप बोलेंगे सर यहाँ पे ब्रेड है यहाँ पे बटर है, दो अलग अलग चीज है, तो यहाँ पे आप इज क्यों लगाए, आपको यहाँ पे आर लगाना चाहिए। तो देखिए आप ब्रेड अलग खाते हैं, मतलब पहले आप ब्रेड खा लेते हैं फिर आप बटर खाते हैं, एक ही साथ खाते हैं, दोनों का यहाँ पे सेंस क्या दे रहा है, एक ही सेंस दे रहा है। यहाँ पे जो पॉइंट नंबर टू लिखा हुआ है वो इसी चीज के लिए लिखा हुआ है कि जब आप दो चीज को कंपेयर कर सॉरी दो चीज आपका एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और दोनों का सेंस एक दे रहा है, तो फिर वहां पे आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा, तो इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, ठीक है, ये समझ में आया क्यों यूज किया गया, ब्रेड और बटर आपको एक साथ खाना होता है, अलग अलग नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे इसका यूज किया गया है, ठीक है। अगला देखिए, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन, तो यहाँ पे देखिए टाइम एंड टाइड पहले से बना हुआ एक सेंटेंस है, ठीक है, और ये आपका सिंगुलर है, ये एक ही चीज का सेंस दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे वेट्स हो गया है,
अगर ये दोनों अलग अलग होता तो फिर यहाँ पे वेट ही होता, ठीक है, वेट्स नहीं होता, क्योंकि वेट आपका भीवन होता है, और भीवन आप जितना भी है वो आपका एक से ज़्यादा होता है, यानी प्लूरल होता है, ठीक है, और भीफाई आपका सिंगुलर होता है, ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा बात मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे। देखिए जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई लंच, ठीक है, तो देखिए ब्रेड और बटर जो है आप एक साथ खाएंगे अपने लंच में, तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना होगा, सिंगुलर यूज़ करना होगा, क्योंकि ब्रेड और बटर आप एक साथ खाते हैं, ना कि अलग अलग। क्या आप पहले ब्रेड खा लेते हैं या फिर आप पहले मक्खन खा लेते हैं फिर आप ब्रेड खाते हैं, ऐसा तो नहीं करते, एक साथ ही खाते हैं, तो दोनों एक ही चीज़ का सेंस दे रहा है, आपके लंच का सेंस दे रहा है वो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इज लगाना हुआ, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड, ठीक है, सोल्ड सेल का ये V2 है, ठीक है, सोल्ड, तो यहाँ पे सर आप आर यूज किए हैं, कभी आप बोल रहे हैं कि इज यूज करो, कभी आप बोल रहे हैं आर यूज करो, तो देखिए यहाँ पे आपका लंच के बारे में बात किया जा रहा था, यानी कि खाने के बारे में, और आप दोनों चीज एक साथ खाते हैं, लेकिन आप जब सामान बेचेंगे, अगर आप मान के चले आप ब्रेड और बटर बेचेंगे, तो आपसे कोई ब्रेड खरीदने के लिए आएगा तो आप उसको बटर भी दे देंगे फ्री में क्या? नहीं ना, आपको ब्रेड अलग बेचेंगे और बटर अलग बेचेंगे, दोनों अलग अलग बेचेंगे, तो यहाँ पे अलग अलग सेंस दे रहा है, ये समझ पा रहे हैं आप मेरे पॉइंट को? अगर आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हैं तो आप जीनियस है, ऐसा समझिए, आप जीनियस है, सीरियसली आप जीनियस है, ठीक है। तो देखिए ब्रेड आप अलग बेचेंगे और बटर आप अलग बेचेंगे, इसलिए यहाँ पे आपको आर यूज करना होगा, ठीक है, आप फ्री में तो नहीं दे देंगे, अगर आप फ्री में देंगे तो आप यहाँ पे इज लगा सकते हैं, सही होगा, ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, वो गलती होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे आर ही यूज करना पड़ेगा, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड, ठीक है, ये समझ में आया। और भी ऐसा बहुत सारा वर्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा वर्ड है, जैसे आपका हो गया राइस एंड करी, यानी चावल और करी जो होता है उसके साथ भी, ये भी आपका मतलब बना हुआ सेंटेंस है, ये भी आपका एंड के साथ जुड़ा हुआ है, ये दोनों एक ही चीज़ का सेंस दे रहा है, तो आपको यहाँ पे इज का यूज़ करना होगा। हॉर्स एंड कैरेज, सॉरी हाँ कैरेज, यानी घोड़ा गाड़ी जो होता है, ठीक है, घोड़ा और गाड़ी, वो भी एक ही चीज़ का सेंस देता है, ठीक है, और यहाँ पे जितना भी है वो सभी एक चीज़ का सेंस दे रहा है, ठीक है, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर ले, ठीक है, इसको कॉम्पिटिशन में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि दीज आर सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब, ठीक है, ये आपका पूरा सिंगुलर है और ये आप हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है, समझ में आया, तो इसको आप कॉपी में नोट कर ले अच्छे से, ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा रूल नंबर 3 के बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाए, बोरिंग हो जाए, आप वीडियो को पूरा ना देखें, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ मैं इंस्टाग्राम पे आ गया हूँ, वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं, आपको कोई भी डाउट होता तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे आप मुझे मिल सकते हैं, आप वहाँ मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं आप मुझे, पहले आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा फिर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई 100% दूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम आईडी नहीं बनाया तो बहुत आसान है इंस्टाग्राम आईडी बनाना, ठीक है, आजकल सभी बनाते हैं, तो आप बना लें, क्योंकि हो सके तो मैं इंस्टाग्राम पर लाइव भी आऊँगा, आपसे बात भी करूँगा लाइव आके, और वहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।